एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है, सिलेक्शन बोर्ड हमीरपुर से टीजीटी मेडिकल की वैकेंसीज आई हुई है और जिसको फिल करने की लास्ट डेट 3 अप्रैल 2020 है। और इससे रिलेटेड ही मैं आज आपके सामने एक टीजीटी मेडिकल का पेपर लेके आया हूँ जो कि 2017 में कंडक्ट हुआ था। तो इस पेपर से मैं आपके साथ बायोलॉजी सेगमेंट डिस्कस करूंगा और इसको मैं दो पार्ट्स में डिस्कस करूंगा। तो आज हम पार्ट फर्स्ट लेके आए हैं जिसमें कि फर्स्ट 30 क्वेश्चन होंगे। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द ट्रॉपिक्स इज, जो स्पीसीज का एक्सटिंक्शन हो रहा है उसका कॉज क्या है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस हैं एफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड लास्ट वन इज सॉइल इरोजन। तो इसका राइट आंसर होगा डिफोरेस्टेशन, ऑप्शन बी। मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अ फाइलम कॉमन टू यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड प्लांट इज, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसे फाइलम का नाम बताइए जिसमें यूनिसेलुलर एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके लिए, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई एंड प्लांटे। तो इसका राइट आंसर होगा किंगडम प्रोटिस्टा। बिकॉज फ्रेंड्स, जैसे हमें पता ही है जो किंगडम मुनेरा है उसमें आते हैं प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जो हमारे पास नेक्स्ट फाइलम है प्रोटिस्टा इसमें आते हैं यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स। तो जैसा कि फ्रेंड्स हमें पता ही है, जो एनिमल और प्लांट की सेल्स होती है वो यूकैरियोटिक होती है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, प्रोटिस्टा। मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ़ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, बट वुड बी द क्रोमोजोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म। क्वेश्चन है कि अगर कोई एक फ्लावरिंग प्लांट है जिसका डिप्लॉयड नंबर 36 है तो उसका एंडोस्पर्म नंबर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमें बताइए, जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लोइड होता है इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, और एंडोस्पर्म हैप्लोइड होता है इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट है तो ये एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, तो यहाँ इसका जो एंडोस्पर्म नंबर है वो हो जाएगा 54। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 54। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर। प्रोटीन रिच अलगा इज, प्रोटीन रिच अलगा कौन सा है हमें ये बताना है। तो जिसके लिए ऑप्शन है प्रोटोसाइफोन, ऑप्शन बी प्रोफाइडियम, ऑप्शन सी जेलिडियम, ऑप्शन डी स्पायरुलिना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पायरुलिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव। द लार्जेस्ट एंथ्रेजोइड्स आर फाउंड इन, जो सबसे बड़े साइज में सबसे बड़े एंथ्रेजोइड्स हैं वो किस प्लांट में हमें जो नीचे दिए गए हैं उनमें मिलते हैं? ऑप्शंस हैं साइकस, सीड्रस, एफेड्रा एंड पाइनस। तो उसका राइट आंसर आ जाएगा साइकस, जो कि एक जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है। एक्चुअली जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे ही जिम्नोस्पर्मिक प्लांट हैं। मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलर सैक फंगस, जो हमें नीचे फंगस दिए गए हैं इसमें हमने बताना है कि इसमें सैक फंगस कौन सा है। ऑप्शंस हैं एस्परजिलस, पेंसिलियम, क्लेविसेप्स एंड सेकेरोमाइसिस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेकेरोमाइसिस, जो कि साइंटिफिक नेम है ईस्ट का।
तो ईस्ट का साइंटिफिक नेम होता है सेकेरोमाइसिस सेरिविसी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा, ईस्ट जो है एक यूनिसेलर फंगस है। मोस्टली फंगस जो है वो मल्टी सेलर होते हैं, बट ईस्ट एक ऐसा फंगस है जो कि यूनिसेलुलर है। मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। मियोसिस टेक प्लेस इन, मियोसिस किसके अंदर होती है? ऑप्शंस हैं कोनिडिया, जेम्यूल, मेगास्पोर, मियोसाइट। तो इसका राइट आंसर होगा मियोसाइट। मियोसाइट एक ऐसी सेल है जो कि गेमेट प्रोड्यूसिंग सेल है, तो इसका नंबर जो होता है वो डिप्लॉयड होता है, और जब इसमें मियोसिस होगी तो इसमें से गेमेट्स बनेंगे, वो हैप्लॉयड होते हैं। तो मियोसिस होगी मियोसाइट के अंदर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। टर्बेलेरियंस आर फ्री लिविंग, टर्बेलेरियंस आर फ्री लिविंग। इसके ऑप्शंस हैं ट्रीमेटोडास, फ्लैट वर्म्स, सिस्टोड्स, नीमेटोड। तो इसका राइट आंसर आएगा फ्लैट वर्म्स। क्वेश्चन नंबर 9। ए पॉइजनस लिजर्ड इज, जो हमें नीचे लिजर्ड दिए गए हैं उसमें हमने बताना है कि पॉइजनस लिजर्ड कौन सी है इनमें से। ऑप्शंस हैं वेरनस, कैमलियन, एंसिस्ट्रोडॉन एंड हेलोडर्मा। तो इसका राइट आंसर है हेलोडर्मा, ऑप्शन डी। मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। गिल कवर इज अब्सेंट इन, गिल कवर किस में अब्सेंट होता है? ऑप्शंस हैं सालमोन, लेवियो, शार्क या ये सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शार्क। क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल्स, हमने बताना है अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं व्हेल, प्लेटिपस, पेंगुइन और कंगारू। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्लेटिपस। प्लेटिपस एक मैमल है, और कैसा मैमल है ये, जो कि अंडा देता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हेमेसोल इज फाउंड इन, हेमेसोल जो है वो किसके अंदर होता है? एकाइनोडर्म, स्पंजिस, अर्थ्रोपोड, एनालिट। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा अर्थ्रोपोड्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। पॉलीफेज इज अब्सेंट इन, जो पॉलीफेज होता है वो किसके अंदर अब्सेंट होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए ये पॉलिप्स है क्या। तो जैसे फ्रेंड्स आपने सिलेंट्रेट में पढ़ा होगा, दो बॉडी फॉर्म्स होती हैं, एक पॉलिप होती है और एक मेड्यूसी होती है। तो जो हमारा ऑप्शन ए है हाइड्रा, इसमें होती है पॉलिप बॉडी फॉर्म, एरुलिया इसमें होती है मेड्यूसी, ऑप्शन सी फाइसिलिया इसमें होती है पॉलिप टाइप बॉडी फॉर्म, एंड जो ऑप्शन डी है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओवेलिया, इसमें दोनों बॉडी फॉर्म्स होती हैं, मेड्यूसे भी होती हैं और पॉलिप भी होती हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, एरुलिया। मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। ए बैक्सी सबस्टांस सिक्रेटेड बाई हनी बी टू रिपेयर कॉम्ब्स इज कॉल्ड, क्वेश्चन है कि मधुमक्खियां ऐसा कौन सा बैक्सी मटेरियल सीक्रेट करती है जो कि छत्ते की रिपेयर के लिए होता है? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं प्रोपोलिस, हनी ड्यू, नेक्टर एंड स्पोरोपोलिनिन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रोपोलिस। मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। ट्यूब फीट आर लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ, ये जो ट्यूब फीट स्ट्रक्चर है ये किस ऑर्गेनिज्म में लोकोमोटरी का काम करते हैं? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं स्पाइडर, रेप्टाइल, स्टारफिश, कैटफिश। तो ये जो ट्यूब फीट है ये जो फीचर है वो एकाइनोडर्म के अंदर होता है, तो यहाँ पे जो स्टारफिश है वो एकाइनोडर्म के अंदर आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टारफिश, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म शो करता है? ऑप्शंस हैं फाइसेलिया, टिम्पेनोसोमा, टर्माइट या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। इन विच फाइलम द बॉडी इज सेगमेंटेड? तो जिन नीचे हमें जो फाइलम दिए गए हैं, हमने इनमें बताना है कि सेगमेंटेशन किसके अंदर होती है। तो ऑप्शंस हैं पॉरीफिरा, सलेंट्रेटा, एनालिडा, मोलस्का। तो इसके अंदर जो सेगमेंटेशन होगी वो होगी एनालिडा के अंदर, जिसमें अर्थवॉर्म आता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसमें मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा, जो सेगमेंटेशन होती है वो तीन फाइलम्स में होगी, अर्थ्रोपोडा, एनालिडा एंड कॉर्डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओविपेरस मैमल? तो जो ऑर्गेनिज्म बताए गए हैं उनमें हमने बताना है कि ओविपेरस मैमल कौन सा है। सो ऑप्शन ए बेलिनोपटेरा, ऑप्शन बी डेल्फिनस, ऑप्शन सी टेरोपस एंड ऑप्शन डी ऑर्निथोरिकस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी ऑर्निथोरिकस। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लाइटलेस वर्ड? जो हमें नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, हमने उनमें से बताना है कि फ्लाइटलेस वर्ड कौन सा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन ए कोलंबा, ऑप्शन बी नियोफ्रॉन, ऑप्शन सी स्ट्रूथियो, ऑप्शन डी कॉर्वस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी स्ट्रूथियो। मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। रेप्लम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर ऑफ? जो रेप्लम एक स्ट्रक्चर है वो किस प्लांट की ओवरी में होती है? तो ऑप्शंस हैं मस्टर्ड, लेमन, पी, सनफ्लावर। तो इसका राइट आंसर है मस्टर्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। पेरिडर्म इज फॉर्म्ड बाय? जो पेरिडर्म है किसके द्वारा निर्मित होता है? ऑप्शंस हैं फैलम, फैलोडर्म, फैलोजन या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फेलोजन। मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। एपिबेलेमा इज करेक्टरिस्टिक ऑफ? जो एपिबेलेमा है वो किसका करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? मोनोकॉट रूट का है, डाइकॉट स्टेम का है, डाइकॉट रूट का है या मोनोकॉट स्टेम का है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मोनोकॉट रूट। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। जूट फाइबर आर अपटेंड फ्रॉम? जो जूट फाइबर है वो हमें कौन सी सेल्स से या टिश्यू से मिलता है? जाइलम, एंडोडर्म, पिथ या सेकेंडरी फ्लोएम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम जो है उनसे हमें जूट फाइबर्स मिलता है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। मास्ट सेल, मास्ट सेल जो है वो क्या सिक्रीट करती है? हिपेरिन, मायोग्लोबिन, हिस्टेमिन या हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए हिपेरिन। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। कंपाउंड आइज आर फाउंड इन? कंपाउंड आइज किसके अंदर होती हैं? कॉकरोच, राउंड वॉर्म, अर्थ वॉर्म या फ्रॉग। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कॉकरोच। और कॉकरोच जो है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, और आर्थ्रोपोडा में ही हमें कंपाउंड आई देखने को मिलती है।
नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। तो इस क्वेश्चन में हमने बताना है कि इनमें से सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड कौन सा है। तो हमारे ऑप्शंस हैं टायरोसिन, ग्लाइसिन, एस्पेराजिन या एलानिन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लाइसिन। क्वेश्चन नंबर 27। क्वांटेजोम्स आर प्रेजेंट इन, जो क्वांटेजोम स्ट्रक्चर्स है वो किसके अंदर होती है? स्ट्रोमा के अंदर होती है, ग्रेना के अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है या गोल्जी बॉडी के अंदर होती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेना। ग्रेना के अंदर हमें क्वांटेजोम्स मिलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। ए सेल स्वेल्स अप व्हेन कैप्ड इन, कोई भी सेल है वो फूल जाती है, कब फूल जाती है? तो इसके लिए ऑप्शन हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। एक्चुअली क्या होता है, जब हम किसी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो उस सॉल्यूशन से पानी को अपने अंदर गेन कर लेगा। और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, जब हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल के अंदर से पानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 29। द सेल थ्योरी इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, जो सेल थ्योरी है वो किसके लिए लागू नहीं होती है? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं ए, बैक्टीरिया, बी, फंगस, सी, अलगे, डी, वायरस। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, वायरस, क्योंकि वायरस जो है वो एक सेल नहीं है। इट इज़ नॉट लिविंग और नॉट नॉन लिविंग। वायरस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ऐसे वो क्रिस्टेलाइन फॉर्म में होता है, बट जब वो किसी होस्ट सेल के अंदर आ जाता है तो उसकी मशीनरी पे अटैक कर लेता है और अपनी प्रोजेनी उस सेल से बनवाना स्टार्ट कर देता है। बट विदाउट इट्स होस्ट सेल इट इज़ नॉन लिविंग। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर, सो क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वायरस। जो सेल थ्योरी है वो एप्लीकेबल नहीं होगी किसके लिए? वायरस के लिए। सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस सेगमेंट के लिए। द एंजाइम दैट कट डीएनए इज, उस एंजाइम का नाम बताइए जो कि डीएनए को कट करता है, या जिसे हम मॉलिक्यूलर सीजर भी कह सकते हैं। तो उसके लिए ऑप्शंस हैं डीएनए लाइएस, डीएनए लाइगेस, डीएनए पॉलीमरेज या रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जो कि है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। सो थैंक यू एवरीवन।